हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब के सुपर क्लासेस चैनल पर। हम लोग निबिड़ संकुलन पढ़ रहे थे। निबिड़ संकुलन का जो अगला टॉपिक है द्विविमीय निबिड़ संकुलन, इसके पहले हमने दो वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं कि क्या होगा। बेल आइकन में मिल जाएगी आपको वीडियो का लिंक। ठीक, तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है? जब ठोस कणों को प्रदर्शित करने वाले गोले एक दूसरे से स्पर्श करते हुए एक दूसरे से क्या करते हुए स्पर्श करते हुए दो दिशा में रखे जाए तो उसे हम लोग कहते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक, क्या होगा? ठोस कणों को प्रदर्शित करने वाले गोले, जब ठोस कणों को प्रदर्शित करने वाले गोले एक दूसरे से स्पर्श करते हुए दो दिशा में रखे जाएं तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं? द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। संरचना होती कैसे है? दो दिशा में होगी। कितनी दिशा में होगी? दो दिशा में होगी। किनकी होगी? ठोस कण की होगी। क्या होगी? ठोस कण की प्रदर्शित करने वाले गोले एक दूसरे को बिल्कुल पास पास रखने पर, ठीक, कितनी दिशा में? दो दिशा में जो संरचना प्राप्त होती है उस संरचना को बोलते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन। एक बार फिर से पूरी प्योर परिभाषा बोल दे रहा हूं, आप समझ लीजिए, लिख लीजिए, ठीक, आराम से सुन लीजिए। जब ठोस कणों को प्रदर्शित करने वाले गोले एक दूसरे से स्पर्श करते हुए दो दिशा में रखे जाए तो इस प्रकार बनी संरचना द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहलाती है, या फिर बोल सकते हैं इस प्रकार बनी संरचना को द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। ठीक, अब जब हम लोग ठोस कण को जब दो दिशा में रखते हैं तो कैसे कैसे रखा जाता है, इनकी जो कण की व्यवस्था होती है उनकी व्यवस्था के आधार पर द्विविमीय निबिड़ संकुलन को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में। ठीक, यानी कण की जो व्यवस्था होती है, कण की व्यवस्था के आधार पर द्विविमीय निबिड़ संकुलन को दो भागों में बांटा गया है। मैं एक एक करके लिख देता हूं। देखिए, सबसे पहला जो होता है, पहले वाले को बोलते हैं वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुलन, या फिर लिख सकते हैं द्विविमीय, द्विविमीय के अंतर्गत है तो लिख सकते हैं द्विविमीय, ठीक, द्विविमीय वर्ग, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन एक हो गया आपका। ठीक, दूसरा क्या होता है? दूसरा सुनिए, दूसरा आपका होता है द्विविमीय, द्विविमीय षटकोणी। द्विविमीय क्या होगा? षटकोणी, याद रखिएगा, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन होगा, संकुलन। ठीक, तो बिल्कुल याद रखना है आपको, एक एक बातें याद रखनी है। ठीक, क्या क्या हमने बता दिया कि जो द्विविमी होते हैं वह क्या प्रकार के? दो प्रकार के, द्विविमी वर्ग निबिड़ संकुलन और क्या होता है षटकोणीय, सॉरी, का द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक, ये दोनों हो गए। अब ये दोनों में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या कब कहते हैं? देखिए, दो अक्ष में, कितने अक्ष में रखे जाएंगे कण? दो अक्ष में रखे जाएंगे। मैं एक एक बातें बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, ये कितने अक्ष बन गए? यक्ष, हमने मान लिया कि ये यक्ष वाला है और ये आपका कौन सा है? वाई वाला है। ठीक, अब यक्ष में जब हम ऐसे ठोस कण को ऐसे क्या करते जाएंगे? रखते जाएंगे। क्या करते जाए? ऐसे रखते जाए। ठीक, तो देखिए कैसे कैसे रख रहे हैं, यही कण की व्यवस्था। हमने बोला है कि कण की व्यवस्था के आधार पर ही सारा कुछ प्रोसेस इसमें है। देखिए, कण की व्यवस्था कैसे रख रहे हैं, देखिए कैसे रखे जा रहे हैं, बिल्कुल आपको यही बातें लिखनी भी है। इनकी संरचना को ही आपको लिखना है, इनकी परिभाषा के अंतर्गत मिलेगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए, सुनिए, समझिए, ये जो गोले बने हैं बिल्कुल एक दूसरे से समान होने चाहिए। जो गोले बनाए जा रहे हैं, ये दोनों गोले क्या होने चाहिए? दोनों अक्ष वाले एक दूसरे से क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। तो देखिए, अब देखिए, ये पहले वाले बोल देते हैं, इसको दूसरी लाइन बोलते हैं, ये तीसरी लाइन, ऐसे चौथी लाइन, अर्थात ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, पांचवीं, छठवीं, सातवीं, ऐसे कितने तक होगी? अनंत तक होती है। तो अब इसको समझना क्या है, सुनिए ध्यान से। बोला जाता है कि दूसरी पंक्ति को, ये कौन सी पंक्ति है? दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति के इस प्रकार रखते हैं। ठीक, मतलब दूसरी वाली जो लाइन होती है उसको पहली वाली के ऐसन रखा जाता है, ये इस तरीके से रखते हैं कि इनके ऊर्ध्वाधर, मतलब ऊपर से नीचे, या क्षैतिज के जो केंद्र होंगे या ठोस गोले के जो केंद्र होंगे उनको मिलाया जाए तो एक रेखा पर प्राप्त हो, एक रेखा पर। सुनिए ध्यान से, कैसे? दूसरी पंक्ति के जो गोले हैं पहली पंक्ति के अनुसार इस प्रकार रखते हैं कि, इस प्रकार रखते हैं कि इनके केंद्र को आपस में मिलाने पर, इनके केंद्र, ये देखिए केंद्र, केंद्र को आपस में क्या कर दे? मिलाने पर, ये देखिए कौन से? क्षैतिज, या फिर कौन से? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर भी अगर आप मिलाते हैं ऐसे, केंद्र, देखिए केंद्र, केंद्र आपस में मिलाएंगे तो बताओ क्या होगा?
एक रेखा बनती है, एक रेखा बनती है, या एक ही रेखा पर होते हैं। ठीक, ये देखिए बिल्कुल एक रेखा पर होंगे, बिल्कुल एक रेखा पर होंगे, बिल्कुल एक रेखा, बिल्कुल एक रेखा पर होंगे। ऊर्ध्वाधर चाहे आप क्षैतिज लेकर आए तो बिल्कुल एक ही रेखा पर सभी गोले होंगे, ये बातें कही जा रही है। ठीक, तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए क्या होगा कि जब ठोस कणों को प्रदर्शित करने वाले गोले आपके थे किसके अंतर्गत, द्विविमी के, कितने दिशा में हो एक दूसरे से स्पर्श करते हुए, दो दिशा में, तो उसे आप बोलते थे क्या द्विविमी निविड़ संकुलन। कण की व्यवस्था के आधार पर ये दो प्रकार के हो गए। ठीक, पहला हमने क्या बताया कि द्विविमी वर्ग निविड़ संकुलन। अब द्विविमी वर्ग निविड़ संकुलन में जो दूसरी परत है, दूसरी पंक्ति जो है, दूसरी पंक्ति सॉरी परत नहीं होगी पंक्ति होगी, ठीक, दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के इस प्रकार रखते हैं कि इनके केंद्रों को आपस में मिलाने पर ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दोनों एक ही रेखा पर हो, यह बात लिखनी होती है। ठीक, अब इसमें देखिए दूसरी बात पॉइंट इसमें क्या लिखनी होती है, एक एक पॉइंट करके। ठीक, तो पहली पॉइंट देखिए इसमें क्या लिखनी होती है, पहली पॉइंट ये है कि समन्वय संख्या हमने बताया, देखिए इनको हम मानते हैं कि निविड़ है, तो इनको स्पर्श करने वाले कितने, देखिए एक गोला यहाँ स्पर्श कर रहा है, एक गोला यहाँ स्पर्श कर रहा है, एक यहाँ स्पर्श कर रहा है, एक यहाँ, यानी इनका सीएन अर्थात समन्वय संख्या इनकी कितनी हो गई, समन्वय संख्या चार मिल गई। ठीक, तो पहली पॉइंट लिखेंगे कि इनकी समन्वय संख्या कितनी होती है, चार। ठीक, चलिए अब देखिए दूसरी बात क्या है कि समन्वय संख्या के केंद्र को आपस में यदि मिला दें, समन्वय संख्या के केंद्र को आपस में क्या कर दें, मिलाने, देखिए समन्वय संख्या के केंद्र को आपस में क्या करने पर, मिलाने पर, समन्वय संख्या के जो केंद्र हैं इनको आपस में क्या कर दिया गया, मिला दिया गया, तो मिलाने पर किसका निर्माण होता है, वर्ग का, मिलाने पर किसका निर्माण होता है, वर्ग का, इसलिए इनको बोला जाता है द्विविमी वर्ग निविड़ संकुलन। ठीक, मिलाने पर क्या होता है, वर्ग का निर्माण होता है। तीसरी बात इसमें क्या रखनी है, मिलाने पर निर्माण हुआ आप वर्ग का, ये थी आपकी दूसरी बात। तीसरी पॉइंट इसमें क्या लिखनी रहेगी, ध्यान से सुनिए, ये थी आपकी दूसरी बात और तीसरी पॉइंट इसमें तीसरा स्टार क्या लिखना होगा, लिखना ये होगा कि यदि इनके हम एक जो पंक्ति है इसका नाम दे दें, कि इनका नाम बोल दें ए, ठीक, इनका नाम बोल दें क्या है, बिल्कुल इसी के बराबर है, इसलिए ये भी होगा ए, ये भी इसी के बराबर है तो ए, ऐसे ये भी हैं बराबर तो ए, तो इनका बोला जाता है पैटर्न, क्या बोलते हैं, इनका पैटर्न जो होता है ना ए ए ए ए डॉट डॉट डॉट, ऐसे इतने प्रकार के होते हैं। तीसरी बात इसमें लिखने की, इनका पैटर्न ए ए ए प्रकार का होता है। ठीक, मतलब इनका तरीका कैसे होता है, तो ए ए ए प्रकार का होता है। अब आते हैं कि जो द्विविमी होते हैं उसी में बिल्कुल हम कण को और कैसे रख सकते हैं, तो दूसरा तरीका क्या है, षटकोणी बनाकर, कैसे होगा देखिए ध्यान से, षटकोणी वाले में कैसे होगा, इसमें भी हमने अक्ष कितने बनाने हैं, दो बनाने हैं अक्ष, ये आपके एक्स वाले हो गए, ये आपके वाई वाले हो गए। अब देखिए जो मूल बिंदु का केंद्र होता है, यहाँ ठोस गोले का केंद्र होता है, बिल्कुल जो गोले होंगे वह आपस में एक दूसरे के कैसे होंगे, बराबर होने चाहिए आपस में। ठीक, अब देखिए ये जो पहला ये गोला और इस गोले के बीच जो ये जगह बच रही है, इसको हम लोग बोलते हैं गर्त, क्या बोलते हैं इसको, इसको गर्त बोलते हैं, या फिर इसका नाम होता है अवनमन, इसका नाम क्या होता है अवनमन। ठीक, तो देखिए क्या होता है गर्त और अवनमन, इनके गर्त से देखिए बना रहे हैं, इनके गर्त से या फिर इनके अवनमन से, बिल्कुल गोले आपके बिल्कुल बराबर होने चाहिए, अन्यथा चित्र जो है बहुत सही नहीं बन पाएगा। ठीक, गोले एक दूसरे से क्या होने चाहिए, बिल्कुल बराबर होने चाहिए, समान होने चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है, गोले की एक दूसरे से क्या होने चाहिए, बिल्कुल समान होने चाहिए। ठीक, चलिए अब देखिए ऐसे बन गया जाएगा, कुछ इस प्रकार की संरचना बनेगी, ये आपकी एक्स वाले हो गए, ये वाई वाले हो गए, अक्ष कितने हो गए, दो। ठीक, तो अब इसमें क्या लिखते हैं, देखिए द्विविमी षटकोणी निविड़ संकुलन में क्या लिखते हैं, ये कैसी बातें होती है, ध्यान से सुनिए। अब देखिए ये कौन सी, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चार पांच छह सात आठ, ऐसे कितनी तक होगी, अनंत तक होगी। ठीक, तो अब समझना आपको ये है कि देखिए दूसरी पंक्ति के गोले को, दूसरी पंक्ति के गोले को पहली पंक्ति के इस प्रकार रखते हैं कि पहली पंक्ति के बने अवनमन में आ जाए, दूसरे वाले को क्या करना है, दूसरे वाली जो पंक्ति है इसको, पहली वाली जो ऐसे पंक्ति बन रही थी, इन्हीं के अवनमन में रखते जाना है, यही बात बोल रहे हैं कि दूसरी पंक्ति को पहली के इस प्रकार रखते हैं कि पहली पंक्ति के बने अवनमन में आ जाए, पहली पंक्ति के बने अवनमन में कौन आ जाए, दूसरे के वाले आ जाए। ठीक, तो इस वाले को बोला जाता है द्विविमी षटकोणी निविड़ संकुलन। अब इसको षटकोणी क्यों बोलते हैं, देखिए इनकी समन्वय संख्या बोलिए क्या होती है, समन्वय संख्या इनकी होती है कितने स्पर्श करने वाले हैं, अगर इसको निविड़ माने
तो स्पर्श करने वाले एक दो ये तीन ये चार ये पांच ये छह, समन्वय संख्या इनकी कितनी हो गई छह। ये पहली पॉइंट लिखेंगे कि इनकी समन्वय संख्या कितनी होती है छह होती है छह। षटकोणी की समन्वय संख्या छह, इनकी समन्वय संख्या चार। ठीक, दूसरी पॉइंट देखिए, दूसरी पॉइंट इसमें क्या बनेगी कि इनके समन्वय संख्या के केंद्र को, ये हो गए समन्वय संख्या के केंद्र, ये समन्वय संख्या के केंद्र हो गए। अब समन्वय संख्या के केंद्र को यदि आपस में क्या कर दें, मिला दें, समन्वय संख्या के केंद्र को आपस में क्या करने पर, मिलाने पर, देखिए आपस में मिला दिए, मिलाने पर किसका निर्माण हुआ है, षटकोण का निर्माण हुआ। मिलाने पर किसका निर्माण हुआ है, षटकोण का निर्माण हुआ है, षटकोण का। ठीक, इसका निर्माण हुआ षटकोण का, इसलिए इनको बोलते हैं षटकोणी निबिड़ संकुलन। ठीक, अच्छा तीसरी पॉइंट इसमें क्या होगी, इनका पैटर्न देख लीजिए, पैटर्न इनका क्या होता है, आप खुद बता सकते हैं कि इनका जो पैटर्न होता है वह क्या होगा, कैसे होगा पैटर्न। अगर इसका नाम दें ए तो क्या है ए के बिल्कुल समान है, नहीं, तो इसलिए इसका नाम दे देंगे क्या, बी। अब देखिए ये वाले जो है किसके समान है, बी के कि ए के, ए वाले, ए वाले के ही क्या है, समान है। देखिए ए वाले के समान, मतलब पहली वाली तीसरी वाली ऐसे, पांचवी वाली ऐसे, सातवीं वाली ऐसे, नौ वाली, ग्यारह वाली, तेरह वाली, पंद्रह वाली, सत्रह वाली, उन्नीस, इक्कीस, ऐसे क्या होंगे, एक दूसरे के समान होंगे। ठीक, और जो दूसरी वाली है वह चौथी के पांच, सॉरी दूसरी वाली चौथी के चार नंबर वाली पंक्ति के, फिर छह के, आठ के, दस के, बारह के, चौदह के, सोलह के, अट्ठारह के, बीस के, बाईस के, ऐसा समान हो गए। ठीक, तो इनको ए, ये भी हो गए ए, ये हो जाएंगे आपके बी, ये हो जाएगा आपका ए, यानी इनका जो पैटर्न होता है ए बी, ए बी डट डट डट, ऐसे प्रकार का होता है, मतलब इनका पैटर्न ए बी प्रकार का होता है। ठीक, तो बिल्कुल आप एक बार इसको ध्यान से रिक्ति देख लीजिए, हमने जो बना रखा है ये आपकी बन गई है पूरी पूरी द्विविमीय निबिड़ संकुलन की, द्विविमीय निबिड़ संकुलन बन गया है। ठीक, द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है, ये द्विविमीय होता है कि जब ठोस कण को, यानी ये जो कण हैं इनको प्रदर्शित करने वाले जो गोले होते हैं, इनको एक दूसरे से स्पर्श करते हुए दो दिशा में रखे जाए, तो इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसे कहते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन। कण की व्यवस्था के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन और बोला गया है द्विविमीय षटकोणी निबिड़ संकुलन। ठीक, समन्वय संख्या के जो केंद्र है इनको आपस में मिलाएंगे तो निर्माण होता है वर्ग का, इसलिए इनको बोला जाता है वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुलन। समन्वय संख्या के केंद्रों को आपस में मिलाने पर निर्माण होता है षटकोण का, इसलिए इनको बोला जाता है षटकोणी निबिड़ संकुलन। ठीक, अब इसके अंतर्गत लिखना क्या है, ये सब संरचनाएं हैं, इसलिए हेडिंग नहीं बनेगी, संरचनाएं मतलब कि कहते क्या ये सब होगा इसके अंतर्गत। ठीक, तो संरचना में हमने क्या क्या किया वही बात इसके अंतर्गत लिखनी होती है। तो क्या बोले, दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति के अनुसार इस प्रकार रखते हैं, या पहली दूसरी पंक्ति को पहली के अनुसार इस प्रकार रखते हैं। ठीक, आप अनुसार नहीं बोल सकते हैं, बोल भी सकते हैं, दूसरी पंक्ति को पहली के अनुसार इस प्रकार रखते हैं कि, या पहली के इस प्रकार रखते हैं कि पहली पंक्ति के केंद्र, पहली पंक्ति के केंद्रों को आपस में मिलाने पर ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दोनों एक ही रेखा में हो। ठीक, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज मिलाएंगे, चाहे पहली चाहे तीसरी, कोई भी बोल सकते, किसी को भी मिलाएंगे तो सब एक ही रेखा में आएंगे। ठीक, इनके समन्वय संख्या कितनी थी, चार थी, समन्वय संख्या केंद्रों को मिलाने पर वर्ग बनता है, इनका पैटर्न ए प्रकार का था। अगली क्या है, द्विविमीय षटकोणी निबिड़ संकुलन। द्विविमीय निबिड़ संकुलन क्या है, षटकोणी निबिड़ संकुलन क्या है, इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए, इसके अंतर्गत लिखेंगे दूसरी पंक्ति के गोले को, ठीक, या दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति के इस प्रकार रखते हैं कि पहली पंक्ति के बने गर्त में आ जाए। इनके समन्वय संख्या कितनी आई है, छह आई है पहली पॉइंट, दूसरी पॉइंट इनके समन्वय संख्या केंद्रों को मिलाने पर क्या हो गया है, षटकोण का निर्माण हुआ है, और तीसरी पॉइंट थी कि इनका पैटर्न प्रकार का हुआ है, सॉरी ए बी प्रकार का हुआ है। ठीक, ये थी आपके सामने क्या थी, कुछ संकुलन थे, ठीक, निबिड़ संकुलन थे। अब इसको आप फटाख से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इन सभी बातों को नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।